दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग, मिट्टी के रंग दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मोहब्बत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, दुखी चल उम्मीद के फूल। शंकर, तू बीच में बिना मांगे सलाम मत ही दिया कर। ठीक आई मुशी, आई ठीक है भैया, आई इनका सामान अंदर लाइए सर। हसीम, इन्हें पहचानती हो? ये मुंशी जी मोहन बाबू, बंबई के पिक्चर राइटर। इनकी दो पिक्चरें रिलीज हो चुकी हैं, अपनी पिक्चर की स्टोरी भी यही लिखेंगे। अच्छा, इसीलिए तो इनको बंबई से यहाँ बुलवाया है। मुंशी जी, ये है नसीम, पिक्चर की हीरोइन, और ये सकीना उसकी छोटी बहन। अच्छा जी, तो आप दोनों बहनें हैं। यहूदी आशिक पिक्चर में तो आप दोनों दुश्मन बनी थी। मुंशी जी, तुम आज ही जुट जाओ स्टोरी लिखने में। ऐसी स्टोरी लिखना कि मेरी कंपनी बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान के टक्कर में लग जाए। और आपा का रोल तो ऐसे लिखना कि लोग नूरजा और सुरैया को भूलकर आपा के दीवाने हो जाए। जी जी, हाँ, इसके लिए भी कोई छोटा मोटा रोल लिख देना। ऐसा क्यों कहते हैं? अरे मैं मजाक कर रहा था। मुंशी जी, सामने ही कमरा है, अभी आप आराम कीजिए, शाम को महफिल जमाते हैं। जी अच्छा जी। दुबई अंदर आ सकती है? हाँ आ सकती है। तुम ही हमारे नए मुंशी हो? अब तो मुंशी हूँ। पहले क्या थे? पहले पहले तो मैं खुद को लेखक समझता था। लेखक? वो क्या होता है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। वाह, समझूंगी क्यों नहीं, मुझे सब पता है पहले कौन क्या था। अच्छा तो हमें भी बताओ। बताऊं? वो है ना शंकर और शर्मा और लतीफ, वो तीनों पहले नौटंकी में काम करते थे, और बाबूजी है ना नौटंकी में पर्दा खींचते थे, और अम्मी और मौसी कोठे वाली थी। कोठे वाली? तुम्हें पता है कोठे वाली क्या होती है? लो, हमें क्या नहीं पता, कोठे वाली वो होती है जो कोठे पर रहती है। अच्छा अब ये बताइए, मैं हिंदू हूँ या मुसलमान? तेरा नाम क्या है? हिंदू। तो तू हिंदू है? आपको तो ये भी नहीं पता? अरे बाबा, मेरे बाबूजी हिंदू है धनपत राय, मेरी अम्मी मुसलमान नसीब, इसलिए ना ही मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान। नहीं है तो ना सही। अरे भाई, हिंदू मुसलमान होने से क्या होता है? अभी तो नहीं होता, पर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब तो होगा। क्या होगा ये आप अपने आप ही समझ ले, हम नहीं बताएंगे। मैं समझ गया। क्या? तू अपने ब्याह के बारे में सोच रही है ना? धत, हम ब्याह तो ही ना करेंगे, हम तो डॉक्टरी पढ़ेंगे। हिंदू,
चलो उस्ताद जी आ गए। आए बाबूजी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। रात के वीराने में पायल की झनकार, छम 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 गूंजती है। आदाब मुंशी जी। अरे आप। अरे मैं तो डर ही गया था। मैं समझा कि मेरे कहानी का कोई किरदार ही मेरे सामने आकर खड़ा हुआ है। जी नसीब, चलिए इसी बहाने आपने हमें इस काबिल तो समझा। सुना है मुंशी जी, हा? आप बड़ी अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं अपने नई फिल्म के लिए। जी बस अभी तो शुरू ही हुई है। साइड हीरोइन का रोल तो रहेगा ना मुंशी जी? जब से दूल्हा भाई खुद डायरेक्टर बन गए हैं तब से मेरे किरदार छोटे होते जा रहे और आप आके बड़े। जब से मैंने आपको देखा है तो मुझे अभी ऐसे महसूस होने लगा है कि मेरा भी कोई अपना है। मेरा ख्याल तो रखेंगे ना मुंशी जी? जी जी जरूर जरूर। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। इंदी भाई अंदर आ सकती है? हाँ आ सकती है। ये ताज तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए। क्यों? उसने दिए हैं गोपाल ने। हमें ना वो आदमी अच्छा लगता है ना उसकी कोई चीज। मगर वो है कौन? वैसे तो वे बाबूजी के दोस्त हैं पर अम्मी से बहुत खुल के बातें करता है और वो तभी आता है जब बाबूजी घर पे नहीं रहते। धनपत राय तो इस वक्त भी घर बन नहीं है, तो क्या वो आया हुआ है? हाँ तभी तो मैं इधर चली आई। पता है एक दिन वो अम्मी से एक बहुत बुरी बात कह रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि रानी तू है बहुत खूबसूरत, श्रृंगार करे या ना करे पर लगती चीज है। चलो हटो, तुम्हें तो बस बनाने की आदत है। पर बुरा मत मानना, तू है बड़ी बेवकूफ। क्यों क्या हुआ? अरे काहे को बेकार में धनपत राय के साथ जिंदगी खराब कर रही है, वो तेरे लायक थोड़े। तो और क्या करूं? मेरे साथ चल, हम दोनों बंबई चलते हैं। मैं एक होटल खोल दूंगा, तू मेरे साथ काम कर और लाखों रुपया कमाएंगे। हाय मारी जाऊं, लेकिन इसका क्या होगा? इसका इसे तू मेरे हवाले कर दे और जो चाहे ले ले।
तो दो थप्पड़ जमाती, पर अम्मी तो हंसती ही रही। अरे पगली, वो मजाक कर रहा होगा। नहीं जी, मजाक की बात अलग होती है, मुझे सब पता है। गोपाल मुझे ऐसे घूर घूर के देखता है कि मैं कोई तमाशा हूं, और अम्मी वैसे तो मुझे बहुत पीटती है, पर उनके सामने ऐसी तारीफ करती है कि सचमुच ही मुझे बेचना हो। कमबख्त क्या चीज है, दो पैग पी लेता हूं तो तुम पहले से ज्यादा डबल 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 खूबसूरत लगती हो। अब ये चिकनी चुपड़ी बातें कम बनाओ और जल्दी से खत्म करो, धनपत आता ही होगा। आने दो से, मैं उससे डरता हूँ। सकीना, मुंशी जी को रोटी खिला दी? जी। आया आया वो शैतान, कहाँ चुप मैं? जल्दी से ग्लास लेकर बगल वाले मुंशी जी के कमरे में चले जाओ। अच्छा 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 हाँ हाँ मुंशी जी, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। आप शायद गोपाल बाबू हैं? जी हाँ जी हाँ। पर आप मुझे कैसे जानते हैं? इंदु से आपकी तारीफ सुन चुका हूँ। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इंदु से? हाँ अच्छा, इंदु ने बताया। दरअसल मैं आपसे इसलिए नहीं मिल सका कि काम ज्यादा होता है, इसलिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसीलिए मैं ये बिजनेस बंद करके नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ, होटल खोलना चाहता हूँ बंबई में। बंबई में? जी हाँ। बंबई तो यहाँ से हजारों मील दूर है। हाय तो क्या हुआ मुंशी जी, उसी लिए जेब में नोट होने चाहिए, नोट। तो क्या नसीम भी आपके साथ जाएगी? बिल्कुल जाएगी, देखना चार दिन में वो धनपत के मुंह पर थूक कर मेरे साथ चली जाएगी। तो फिर सेठ जी का पिक्चर का क्या होगा? अरे जो होना होगा होता रहेगा, उससे अपने को क्या। और एक दो तीन चार पांच, ये लो सकीना, रसोई खर्च के लिए। हाँ नमस्ते धनपत राय जी। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए आइए मुंशी जी, आइए आइए। क्यों मुंशी जी, आप तो दिखाई नहीं देते। जी मैं यहीं पर हूँ। हाँ कहिए मुंशी जी, क्या बात है? सेठ जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि तनख्वाह बढ़ा दो। जी नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं सोच रहा था, यानी मेरा मतलब ये है कि भगवान ना करे कभी महीने दो महीने को पिक्चर का प्रोडक्शन बंद पड़ गया, नहीं तो हमारी तनख्वाह तो मिलती रहेगी ना। ये ख्याल आपके दिमाग में किस वजह से आया? जी यानी वजह कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि अपना काम कुछ ऐसा ही है ना, समझो कल अपना हीरो बीमार हो गया है या हीरोइन बीमार हो गई। हाँ जी मतलब वही, या हीरोइन किसी के साथ भाग जाए। जी सच्ची बात तो ये है मुंशी जी कि ये सवाल तुम मेरे उस दगाबाज दोस्त गोपाल की वजह से पूछ रहे हो, हाँ है ना। मुंशी जी ये मत समझियो कि मेरे बस में कुछ नहीं है, जवानी की कसम ऐसे ऐसे 10-12 लोगों को काबू में रख सकता हूं मैं। ओ खूसट, सचमुच बड़ा काइया है। करम जले ने मुझे पैसे देना बिल्कुल बंद कर दिया है। अरे मैं तो तुझसे कब से कह रहा हूं मेरे साथ बंबई चल, 2-4 साल कमाएगी तो तेरी इंदु लाखों की हो जाएगी। इंदु कमाएगी और तू ऐश करेगा? ने, अब मुझे पता चला कि तू इस अधूरी पर क्यों डोरे डाल रहा है। तेरी नजर तो मेरी हिंदू पर है,
मैंने तुझे हजार बार मना किया कि यहाँ मत आया कर, उसके बावजूद भी तू नहीं मानता। आज मैं चप्पल से तुझे सीधा करूंगा। देखो धनपत, हाथ से नहीं मुंह से बात करो। अरे जा, मुंह से बात करने वाले तो निकल यहाँ से। निकल यहाँ से, मार डालूंगा तुझे। दोबारा यहाँ नजर आया तो अच्छा नहीं किया धनपत, मैं देख लूंगा। अरे जा रहे हो कि नहीं? चोरी, दगाबाज, लेकर बंबई भागने की तैयारी कर रही थी। हाँ, तेरी खाल खींच लूंगा। वो जाएगी, हाँ जाएगी, जाएगी। 13 बरस से पाल रहा हूँ मैं उसे। मेरे हजारों रुपए खर्च किए हैं उस पर, और अब जब कमाने को आई तो तू अपने साथ ले जाएगी। जा, तुझे जाना हो तो जा। तू मेरे को हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा। बाप के घर से आई थी, नजर भी डाली ना, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। कहाँ जाना साहब? साहब इस वक्त बिजी है, आप नहीं मिल सकते हैं। अभी आप जा सकते हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार, नमस्कार। आज कैसे याद आ गई हमारी आपको? सेठ जी, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, उसमें अपनी लड़की को हीरोइन ले रहा हूँ। कितनी बड़ी है लड़की आपकी? 13 साल की उम्र है, और भगवान ने उसे जो हुस्न दिया है, वाह, एक बार अगर आप उसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, वो भी फिल्मों में काम करेगी? करेगी जी, जरूर करेगी। भगवान ने उसे हुनर दिया है, कला दी है, आर्ट दी है, हम कौन होते हैं वो छीनने वाले। एक बात आप लिख कर रख दीजिए, एक बार अगर वो पर्दे पर आ गई तो पूरे मुल्क में तहलका मचा देगी। ये श्यामा सुरैया सबको कोने में बिठा देगी। अच्छा, बिल्कुल। ये एक बाप नहीं बोल रहा, एक कला का कदरदान बोल रहा है। आप मेरी फिल्म में 2 लाख लगाएंगे तो 10 लाख कमाएंगे भी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये 24 साल का तजुर्बा है मेरा। तुमने तो इंदु का इतना बखान कर डाला कि उसको देखने की इच्छा हो रही है। आपके हुक्म की देरी है हुजूर, कभी तशरीफ लाइए हमारे गरीब खाने पर। कभी क्यों, कल ही आते हैं। कल ही? जरूर जरूर। चलता हूं। अरे तुम कब आई? अरे आज तो तुम परी जैसी लग रही हो। क्या हुआ? रोती क्यों पगली? क्या हुआ? आप मुझे दिल्ली ले चलिए, मेरी वहां एक सहेली है। दिल्ली? अब कौन है सहेली तेरी? कमला, मैं कमला के संग रहूंगी, मैं नहीं नाचूंगी। अरे नाचने में क्या है? देखो तुम कितना अच्छा नाच लेती हो, तुझे आज बड़े बड़े लोग देखने आएंगे, ढेर सारे इनाम तुझे मिलेंगे। हमने लोगों से इनाम लेने के लिए थोड़ी ना नाचना सीखा है। आप ही बताइए, मैं कोई तमाशा हूँ? तमाशा? तमाशा तो अम्मी भी नहीं है, पर वो भी तो नाचती है। अम्मी तो थिएटर में भी नाचती थी, पता है लोगों ने क्या क्या कहते थे? मैं नाचूंगी तो वही बातें मुझे भी कहेंगे। अरे नहीं, तुझे क्यों कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इंदु रानी को कोई कुछ कह सकता है? क्यों नहीं कह सकते? शंकर अभी अभी शर्मा से कह रहे थे कि ये लड़की बड़ी होकर अपने माँ को भी मात करेगी। फिर शर्मा बोला कि कोटे वाली की औलाद है, इनके तो खून में ही नखरा होता है। आप ही बताइए, क्या मैं कोटे वाली लगती हूँ? हाँ सकीना, ऐसे ठीक से हाँ सेठ जी, यहीं बैठने वाले हैं। इन हारों का क्या करूं? मेरे गले में डाल दो। अरे कितनी बार तुम्हें समझाया है कि जब सेठ जी आए तब उन्हें पहना देना। चल जाओ यहाँ से। सकीना। अरे हाँ शंकर भैया, ये यहाँ रखो। नमस्ते सर। और ऊपर। अरे आओ मुंशी जी, ये खुशखबरी है, बड़े फिल्म फाइनेंसर अवतार कृष्ण इंदु का डांस देखने आने वाले हैं। अगर इंदु ने उसे खुश कर दिया तो समझो अपनी फिल्म बन गई। अरे हाँ याद आया, स्टोरी पूरी हो गई? जी नहीं,
अब तक क्लाइमैक्स बाकी है। अरे भाई लिख डालो, क्लाइमैक्स भी लिख डालो। ऐसी फिल्म लिखना मुंशी जी कि लोग देखकर दंग रह जाएं, बाला मारा और हंटर वाली सबको भूल जाए ससुरे। और मेरी बेटी का रोल ऐसा लिखना कि लोग सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर बोले इंदु 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 इंदु। सेठ जी एक बात तो अब गलती कर रहे हैं, इंदु अब तक बहुत छोटी है, उसके खाने खेलने की घूम रहे। तुम क्या जानो लौंडियों की उम्र के बारे में? अरे जब पर्दे पर देखना तब समझोगे। मैं नहीं नाचूंगी। मैं क्या कोठे वाली हूं? मैं नहीं नाचूंगी। मैं क्या कोठे वाली हूं? मैं नहीं नाचूंगी।